लोग 2 घंटे से बाहर खड़े हैं। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की पिटाई के विरोध में देश भर के डॉक्टरों का गुस्सा फूटा है। कहीं डॉक्टर हेलमेट पहनकर तो कहीं काली पट्टी बांधकर मरीजों के इलाज करते हुए नजर आए। दिल्ली के एम्स में डॉक्टरों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। दिल्ली के दूसरे बड़े अस्पतालों में भी डॉक्टरों ने हड़ताल की। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कि जितने भी पब्लिक कितना ज्यादा परेशान हो रही है यहाँ पे, उससे कोई मतलब है। अगर पब्लिक अपने आप में आ जाएगी, हड़ताल पे आ जाएगी, तो डॉक्टरों को बहुत महंगा पड़ेगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे न जाने कितने लोग कितनी दूर दूर से आए हुए हैं, सब लोग न जाने कितने लोगों की जान खतरे में है। कोलकाता के डॉक्टरों के समर्थन में चंडीगढ़ PGI के जूनियर डॉक्टर भी हड़ताल पर रहे। हालांकि अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं जारी रहीं, लेकिन हड़ताल से मरीजों को खासी दिक्कतें पेश आईं। जयपुर में भी डॉक्टरों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में हुई जूनियर डॉक्टर की पिटाई के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्य बहिष्कार नहीं है, केवल काली पट्टी बांध के मरीजों को तनिक भी कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस तरह की हिंसक घटना है उसका हमने पूरे प्रदेश में आज विरोध प्रदर्शन किया है। कोलकाता के डॉक्टरों के समर्थन में मुंबई के भी ज्यादातर अस्पताल के डॉक्टरों ने काम करने से इनकार किया। इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जितना वो स्टूडेंट्स को जो काम कर रहे थे वहाँ पे उनको हो रहा है, तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। इसकी मांगे हमने गवर्नमेंट के पास बहुत बार रखी है, कल से भी हम लोग इसके बारे में लेटर्स लिखने की कोशिश कर रहे थे। लखनऊ में भी डॉक्टरों ने हाथों में काली पट्टी बांध कर विरोध जताया। हम चाहते हैं कि हमारी रक्षा के लिए भी कोई ऐसा एक्ट बनाया जाए या कानून आए, जिससे हम लोग भी अच्छे से अपना जीवन जी सके और सेवा दे सके। कोलकाता में हुई जूनियर डॉक्टरों की पिटाई के विरोध में विशाखापट्टनम में भी डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में साथी डॉक्टरों के साथ हुई बदसुलूकी के विरोध में डॉक्टरों ने विरोध जताया, सरकार से कार्रवाई की मांग की। बहरहाल डॉक्टरों के सम्मान और उनकी सुरक्षा के साथ साथ जरूरतमंद मरीजों को समय से इलाज मिलना भी जरूरी है। दिल्ली से शशांक पाठक और चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।